23 जुलाई 2024, समय का कुछ पता नहीं है, पर उत्तर प्रदेश में ही एक कोतवाली है नागपारा। इसी के अंतर्गत एक नागपारा रुपेडीहा मार्ग है और इसी मार्ग पे एक गांव है जिसका नाम है हाडा बसेहारी। इसी गांव में एक झाड़ी है और उसी झाड़ी में एक लड़की गिरी पड़ी हुई थी। दूर से देखने पर यही लग रहा था, जब लोग इसके पास गए तो वो लड़की बिल्कुल गिरी हुई है और इस दुनिया में है नहीं। उसका ये सर भी नहीं है और दोनों हाथ भी नहीं है। वो लड़की यानी भगवान के पास जा चुकी है। जब लोग ये देखते हैं कि उसका सर नहीं है, हाथ नहीं है, लड़की भगवान के पास चली गई, तो तुरंत डर करके पुलिस को फ़ोन मिला देते हैं और पुलिस को कहते हैं कि तत्काल यहाँ पर आइए, क्योंकि यहाँ पर एक लड़की गिरी पड़ी है और जो हालात हैं वो बता देते हैं। ये सुनते ही पुलिस स्टेशन में खलबली सी मच जाती है। तुरंत पुलिस गाड़ी के द्वारा घटना स्थल पर पहुँचते हैं और जब पुलिस इस लड़की को देखते हैं तो वो भी एकदम हैरान हो जाते हैं और कहें तो थोड़ा सा सहम जाते हैं, क्योंकि जो वहाँ की परिस्थिति थी वो बिल्कुल नाजुक नहीं थी, नाजुक से भी ज़्यादा नाजुक थी। लड़की के तन पर कपड़े नहीं हैं, लड़की का सर नहीं है और लड़की के हाथ नहीं हैं। ये देख करके पुलिस भी एकदम घबरा जाती है और सबसे पहली चुनौती पुलिस के लिए ये होती है कि आखिरकार इस लड़की का पहचान किया कैसे जाए, क्योंकि वास्तविक अगर किसी आदमी का, औरत का पहचान करना हो तो उसके हाथ होने चाहिए और उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सर तो होना ही चाहिए। लेकिन इस लड़की के तो हाथ ही नहीं थे और सर भी नहीं था, तो पुलिस की सबसे बड़ी दिक्कत यही हो गई। हालांकि क्योंकि अब बॉडी मिली थी पुलिस को तो जांच तो होनी ही थी और इसीलिए एसीपी वंदना शुक्ला ने एक टीम गठित की। हर्षित तिवारी के नेतृत्व में ये टीम गठित की गई और फिर अब प्रोसेस आगे बढ़ाया गया कि कैसे भी करके ये पता पहले लगाया जाए कि ये बॉडी है किसकी, क्योंकि सबसे बड़ी यही बात है। अब क्योंकि टीम गठित कर दी गई है, इसीलिए उस टीम ने सबसे पहले तो आसपास के थानों को एक मैसेज भेजा जिसमें ये बताया गया है कि पिछले कुछ हफ्तों या महीनों में जितनी भी गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाया गया है, खास तौर से लड़की के गुमशुदगी का रिपोर्ट, वो हमें दिया जाए ताकि हम इन्वेस्टिगेशन कर सकें। खैर, एक और बात पुलिस ने नोटिस किया कि क्योंकि लड़की के सर नहीं थे, हाथ नहीं था, लेकिन उसकी पूरी बॉडी सर हाथ को छोड़ करके थी और लड़की के पैर में एक काली रस्सी बंधी हुई थी, काले रंग की धागे की रस्सी, ये पुलिस ने देखा था, जो कि पुलिस को शरीर पर वही मिला था बस। खैर, क्योंकि पुलिस ने हर थाने में मैसेज भेजा था तो पुलिस एक रिपोर्ट में थोड़ा, एक रिपोर्ट को अच्छे से पढ़ा गया। हाल ही में वो कंप्लेन, मिसिंग कंप्लेन दर्ज करवाई गई थी और इस मिसिंग कंप्लेन में भी साफ यही था कि एक लड़की है जो कि गायब हुई है, जिस लड़की का नाम है सिबा, और इस लड़की ने भी अपने जो बायां पैर है उसमें काली रस्सी बांध रखी है, यानी काला धागा बांध रखा है। ये कंप्लेन बकायदा लिखवाया गया था पुलिस स्टेशन में और जो कि कंप्लेन मिल गया। अब पुलिस को लगा कि ये कंप्लेन में लिखवाया गया है कि काला धागा सिबा ने अपने पैरों में बांध रखा है। जो बॉडी पुलिस को मिली है इसमें भी, क्योंकि सर और हाथ तो नहीं है लेकिन इसके भी पैरों में काला धागा है, तो पुलिस ये सोचती है कि जिसने भी ये कंप्लेन लिखवाया है उसको मैसेज भेजते हैं और ये पता करवाते हैं कि क्या ये वही सिबा है जो मिली है। तो पुलिस तत्काल जो कंप्लेन लिखवाया था उसको बुलवाती है पहचान करने के लिए कि क्या यही है आपकी सिबा जो कि गायब हुई थी। अब देखिए, बिना सर के बिना हाथ के ऐसे नहीं किया जा सकता है प्रूव कि हाँ ये वही है, एग्जैक्ट वही है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने पैरों में काला धागा बांधते हैं। हालांकि अभी पुलिस का इनिशियल इन्वेस्टिगेशन था तो यहाँ पर बुलाया गया, कंप्लेन लिखवाने वाले आए और ये पुष्टि किए कि हाँ ये सिबा ही है जो गायब हुई थी, ये हमारी ही बच्ची है। और यहाँ पर ये तय हो जाता है कि ये सिबा ही है जो कि गायब हुई थी। लेकिन अब एक मिस्ट्री बनती है कि आखिर सिबा को किसने इस हालत तक पहुँचाया है।
जब कंप्लेन लिखवाई गई थी तो उसमें एक लड़के का नाम भी लिखवाया गया था कि इसी लड़के की वजह से शिबा गायब हो रही है, और वो कंप्लेंट में जिस लड़के का नाम था वो नाम था अरुण। अरुण के वजह से ही शिबा गायब हुई थी, और अब जब शिबा मिली है तो वो इस हालत में मिली है। तो क्योंकि कंप्लेंट में साफ था नाम अरुण का, इसीलिए पुलिस अरुण को पकड़ने के लिए उसके घर जाती है, पर उस वक्त अरुण घर पे नहीं होता है, वो गायब होता है। हालांकि कुछ समय में मुखबिरों की सहायता से घर के कुछ दूरी पर अरुण को पुलिस पकड़ लेती है, गिरफ्तार कर लेती है, और अब अरुण से पूछताछ होती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। हालांकि शुरुआत में अरुण इधर उधर आनाकानी करता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, लेकिन अंततः कहते हैं ना कि पुलिस बहुत जल्दी निकाल लेती है, ऐसे ही पुलिस उगलवा लेती है। और अब फाइनली एक समय ऐसा आता है जब अरुण टूट जाता है और वो सब कुछ पुलिस के सामने सच बता देता है कि मैंने शिबा के साथ ऐसा क्यों किया। अब सुनिए कि अरुण पकड़े जाने पर पुलिस से क्या बोल रहा है। अरुण कहता है कि जब वो कक्षा 10वीं में था उस समय शिबा भी पढ़ रही थी कक्षा 8वीं में, और तभी से इन दोनों का संपर्क हुआ था। पहले तो ये काफ़ी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन ये दोस्ती प्रेम में बदल गई, और फिर जाकर के बहुत गहरे प्रेम में। हालांकि एक वक्त ऐसा भी आता है जब 10th के बाद जो अरुण होता है वो मेडिकल की दुकान पर काम करने लगता है, और यहाँ पर मेडिकल की दुकान पर भी शिबा उससे मिलने आया करती थी। उसके बाद एक वक्त ऐसा भी आता है, एक कहानी जुड़ी हुई है, कि जब ये दोनों एक समय पे मिल रहे थे उस समय पे ये दोनों ही पकड़े गए थे एंड पॉइंट पे, एंड यहाँ पे पिटाई विटाई हो गई थी अरुण की, और अरुण इससे खुन्नस भी खाया हुआ था अंदर अंदर कि मेरे को क्यों मारा गया, मतलब यू नो कि मेरे को मार दिया उन्होंने, ऐसा करके खुन्नस भी खाया हुआ था। खैर ये तो बाद की बात है, लेकिन ये स्टोरी इसी से जुड़ी हुई है तो मैंने बता दिया कि इन दोनों में संबंध अच्छे खासे बन गए थे। खैर एक बात और है यहाँ पर, क्योंकि एक तरफ शिबा है और दूसरी तरफ अरुण है, अब नाम से ही आप पहचान सकते हो कि शिबा जो है वो अलग रिलीजन से है, मतलब मुस्लिम है, और अरुण जो है वो अलग है, और इसी वजह से इन दोनों में सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूट था यही धर्म का वाला था। दरअसल अरुण की शादी उसके घर वाले तय कर देते हैं, लेकिन शिबा चाहती है कि अरुण मुझसे ही शादी करे, और इसीलिए शिबा अरुण पे प्रेशर बना रही थी। लेकिन अरुण और शिबा दोनों के घर वाले नहीं चाहते थे कि इनकी शादी आपस में हो, क्योंकि एक मुस्लिम है और एक दूसरा है, आप समझ रहे हो ना। ये दबाव बना रही थी शिबा कि नहीं मुझसे ही करो। अब हालांकि दोनों में प्रेम संबंध थे और प्रेम संबंध से भी कहीं ज़्यादा ऊपर था, तो शिबा का दबाव बनाना बनता था, लेकिन अरुण जो है वो अब ज़्यादा प्रेशर में आ गया था। इधर शिबा प्रेशर करती थी, इधर उसके घर वाले प्रेशर करते थे, तो अरुण एक पॉइंट पे आकर कहता है कि मैं शिबा को ही ख़त्म कर देता हूँ ताकि कहानी ख़त्म हो जाएगी, ना रहेगी शिबा, ना मेरे पे प्रेशर बनाएगी, और जिससे घर वाले करवा रहे हैं उससे मैं शादी कर लूँगा। और इसीलिए अरुण अपने दोस्त कुलदीप विश्वकर्मा के साथ मिल करके शिबा को जायसवाल के भट्ठे पर बुलाता है। शिबा भी वहाँ पर पहुँच जाती है, और फिर शिबा को बाइक पे बिठाया जाता है और गांव के कुछ दूर झाड़ियों में लेकर के जाते हैं शिबा को, और फिर वो दोनों मिलकर के, जैसा कि आपको पता है, अरुण और उसका दोस्त कुलदीप विश्वकर्मा, ये दोनों मिलकर के पहले तो इसका गला दबाते हैं जिससे कि ये इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है, और उसके बाद अब क्योंकि उसको वहीं पर तो छोड़ नहीं दिया जाएगा, सबूत तो नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए शिबा के सर को अलग कर दिया जाता है, हाथ को अलग करके इन दोनों पार्ट्स को, सर को हाथ को, नहर में फेंक देते हैं, उसके पूरे कपड़े निकाल देते हैं और वो भी कहीं नहर वहर में फेंक देते हैं, और बाकी बॉडी को वहीं पे छोड़ देते हैं, ताकि अगर ये बॉडी मिलेगी, अगर क्या, बॉडी तो मिलेगी ही, लेकिन बॉडी की शिनाख्त नहीं हो पाएगी, बॉडी की पहचान नहीं हो पाएगी। और वाकई में इस बॉडी की पहचान करने में बहुत टाइम लगने वाला था, लेकिन बॉडी के जो पैरों में काला धागा बंधा हुआ था ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया। अब देखिए इधर 22 तारीख को, क्योंकि 22 जुलाई 2024 को इन लोगों ने शिबा को बुलाया था, अरुण ने शिबा को बुलाया था, और 22 को ही ये सब कर दिया। और इधर शिबा अपने मामा मामी के यहाँ रहती थी, तो मामा मामी भी जाकर के 22 तारीख को ही कंप्लेन किए कि आज मेरी बेटी लापता है।
मतलब आज जो रहती है मेरे घर पे, मेरी भांजी वांजी जो भी लगेगी रिलेशन में, वो लापता हो गई है। और अरुण, क्योंकि पता था पहले इसे ही कि अरुण के साथ प्रेम संबंध में है, तो अरुण ने ही कुछ किया है, इसी की वजह से ये गायब हुई है। तो इस केस को सॉल्व करने में कंप्लेंट, पुलिस कंप्लेंट एक सहायक बना और जो धागा बंधा हुआ था वो सहायक बना। हालांकि एक बात और मैं बता दूं, कोर्ट में ये मामला जा चुका है, इन लोगों को जेल भी हो गया है, जो भी ये अरुण का दोस्त है और अरुण है, और ये मामला कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट में क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी प्रक्रिया होती है, ये लोग जेल में ही हैं, अभी जेल में से ही लड़ेंगे। हालांकि हद 80-90% तो प्रूव हो ही गया। ये बॉडी जो मिली थी, इसका डीएनए टेस्ट पुलिस करवाएगी और फिर ये अच्छे से कंफर्म होगा कि हाँ वो सिपाही थी। हालांकि जो अरुण है वो भी एक्सेप्ट कर चुका है, लेकिन कोर्ट जो है वो एविडेंस देखती है, एक्सेप्ट कौन कर रहा है क्या कर रहा है ये ज़्यादा नहीं देखती, देखती है पर एक हद तक देखती है। डीएनए टेस्ट पुलिस करवाएगी, हो सकता है मेरी वीडियो बनाने तक वो करवा दी भी गई हो। खैर आप कमेंट सेक्शन में खुल करके बोल सकते हो। बाकी जुड़े रहिए हमारे साथ। राम राम, मैं हूँ अंकित सिंह।